अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हैं? आज बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सब्जी। चलिए बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले लेती हूँ बीन्स, आलू, कैलीफ्लावर, टमाटर, हरे मटर, कैरेट, कैप्सिकम। अब इसके मसाले बताती हूँ। नमक, मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, यहाँ कस्तूरी मेथी ली हूँ, दही, हरिया धनिया और प्याज। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जी कुकर में बना रही हूँ। आप कुकर में भी बना सकते हैं, आप पैन में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ। मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ। अभी इसमें मैंने एक कप तेल ले रही हूँ। यहाँ एक कप, छोटी कप से एक कप तेल ली हूँ। यहाँ तेल गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ एक मीडियम साइज की प्याज ली हूँ। एक प्याज ले रही हूँ मैं। अब इसको अच्छे से मिला लूँ। प्याज को भी थोड़ा ब्राउन होने देना है, फिर उसमें हम मसाले मिला लेंगे। अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अब मैंने एक स्पून अदरक का ली हूँ, एक स्पून लहसुन का ली हूँ। अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ। कब जब भी मसाले आप भूनते हैं, फ्लेम को कम कर लीजिए, वरना मसाले जल जाते हैं। अभी इसमें ले रही हूँ मैं एक स्पून धनिया पाउडर, आधा स्पून जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने एक स्पून ली हूँ कलर के लिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अभी मैं इसमें एक स्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। ये घर में बनाया हुआ लाल मिर्च पाउडर है मेरा। लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। अभी इसको हम मिला लेंगे थोड़ा। अभी मैं इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर ली हूँ। अभी मैं इसमें टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर थोड़े गल चुके हैं। अब हम इसमें वेजिटेबल मिला लेंगे, बीन्स और आलू। मैंने धोकर हर एक चीज़ को मैंने धोकर काट कर ली हूँ। आप भी धोकर ही लेना। बीन्स, आलू, कैप्सिकम, कैलीफ्लावर, कैरेट और हरी मटर। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मुझे किसी ने बताया था, आंटी वेजिटेबल्स का बना कर बताइए। हाँ, वेजिटेबल्स का बना रही हूँ मैं। आप बना कर खाइए, बहुत टेस्टी लगता है रोटी के साथ ये। अभी मैं इसमें हरिया धनिया डालती हूँ। इसमें हरिया धनिया। अब मैं इसमें एक स्पून छोटा नमक ले रही हूँ। आप नमक देखकर डाल लीजिए। मैं मुझे सब्जी को कितनी होना मैं उतना ले रही हूँ, आप देखकर डाल लीजिए। अभी इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ती हूँ। ले रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और इसमें 3 छोटा चम्मच दही। दही डालने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। मुझे अच्छा लगता है दही डालने से। आप ही डाल कर बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है ये।
अभी इसको मैं अच्छे से मिला देती हूँ। हो गए हैं, 5 मिनट के लिए छोड़ी थी मैं, 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मसाला टमाटर सब पानी छोड़ चुका है इसमें। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं लेना, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा ले सकते हैं। रोटी में खाने का है तो आप पानी थोड़ा ही लीजिए। इसमें ग्रेवी को थोड़ी ही रख लीजिए। मैं कुकर में रख रही हूँ, आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ढक्कन बंद कर रही हूँ। 3 से 4 सीटी को मैं रख लेती हूँ। देखिए कुकर मैं अब खोल रही हूँ। माशाल्लाह सब्जी पक चुकी है। अभी मैं निकाल कर बताती हूँ आपको। प्लेट में बहुत अच्छी बन चुकी है सब्जी। इतनी कलरफुल सब्जी बनी है माशाल्लाह। हमने 3-4 रकम के सब्जी डाली है ना, इसीलिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। देखिए मेरी बहू बता रही है खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर से बनाइए, आप बनाकर खाइए ज़रूर से। देखिए मैं काढ़ कर बता रही हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है। अब अरफा बताएंगे, खाकर बताइए अरफा कैसा है। नहीं अम्मी आज आप खा के बताइए कैसा लग रहा है, हम तो रोज खा के टेस्ट करते हैं। नहीं नहीं अरफा आप बताओ। नहीं नहीं आप खा के बताइए, रुकिए रुकिए, चलिए अम्मी खा के बताइए कैसा लग रहा है। चलो खाकर बताती हूँ मैं। बहुत बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी बना है माशाल्लाह। देखिए बना चुकी हूँ मैं, बनाकर बताई हूँ, खाकर भी बताई हूँ, बहुत टेस्टी बना है। आप भी बनाइए खाइए। इंस्टाग्राम में भी है, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए आप ज़रूर से। चैनल मेरा देखिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।